मैं एक पाकिस्तानी जासूस भारत में अपने मिशन के दौरान दिल्ली से अहमदनगर का सफर कर चुका हूं, पर अहमदनगर की टैंक रेजिमेंट्स में एक क्लर्क और एक फुल कर्नल से अपने ताल्लुकात उस्तवार कर चुका हूं। मुकम्मल कहानी जानने के लिए इसी वीडियो की गुज़श्ता किस्तों का मुलाहिज़ा फरमाइए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सब्सक्राइब करने के लिए सुर्ख बटन पर क्लिक कीजिए या बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको हमारी तमाम वीडियोस बगैर किसी ताखीर के मुसलसल मिलती रहें। साथ ही साथ आपके कमेंट से हमें मालूम हो रहा है कि आपको हमारी वीडियोस बहुत पसंद आ रही हैं, जिसके लिए हम आपके बेहद शुक्रगुजार हैं। तो आइए कहानी की तरफ वापस चलते हैं। ईडीओएस के दफ्तर का क्लर्क, जिसका नाम श्याम था, जब उसने मुझे बेपनाह पैसे लुटाते हुए देखा तो उसने मुझे एक मोटा शिकार समझ लिया और वो जल्द से जल्द अपनी मौजूदगी में मुझे कैंप कमांडेंट के दफ्तर के क्लर्कों से मिलवाना चाहता था ताकि मेरी कोई डील उसकी गैर मौजूदगी में ना हो। उस दिन 8 बजे वो दो फौजियों को अपने हमरा लाया और मुझे बताया कि वो कैंप कमांडेंट के दफ्तर में काम करते हैं। वो शाम हमने कुछ गपशप और काम की बातों में गुजारी। मुझे यूं ही कुछ शक सा पड़ गया कि शाम इतनी जल्दी सब लोगों से क्यों मिलवा रहा है। अगरचे इन दोनों फौजियों को मैं दोपहर को कैंप कमांडेंट के दफ्तर में देख चुका था, लेकिन फिर भी अपनी तसल्ली के लिए मैंने काम की बात को उस शाम ज्यादा आगे न बढ़ाया और कहा कि कल मैं शाम के दफ्तर में आऊंगा और उसके हमरा कैंप कमांडेंट के दफ्तर में उनसे भी मिलूंगा। जब वो मैं नोशी कर रहे थे तो मैं उनके चेहरे और उनके दिली जज्बात का अंदाजा लगा रहा था। शराब के नशे में इंसान अंदर की बात भी जबान पर ले आता है और उसका चेहरा उसके दिली जज्बात की अक्कासी करता है। मैंने महसूस किया कि शाम और एक फौजी तो शराब पीकर खूब हंस रहे थे, जबकि दूसरा फौजी बार बार गहरी सोच में गर्क हो जाता था। मैं उसकी तरफ मुतवज्जे हुआ और कहा, क्या बात है यार, बीवी याद आ रही है जो यूं खामोश बैठे हो? वो खिसियानी सी हंसी के बाद फिर चुप हो गया। मैंने 2-3 बार उसे टटोलने की कोशिश की, लेकिन वो दिल की बात जबान पर न लाया और ना ही उसकी खामोशी और सोच में डूबने में कोई फर्क आया। शराब खाने में कोई बाथरूम नहीं था। मैंने छोटी उंगली का इशारा करके अपनी हाजत का इजहार किया। शाम ने कहा कि बाहर सड़क की दूसरी जाने। मैंने उस सोच में डूबे फौजी का हाथ थामा और कहा कि मेरे साथ चलो। वो मेरे साथ बाहर आ गया। सड़क की दूसरी जाने फारिग होकर मैंने उससे कहा, ऐसे माहौल में जहां इंसान सब गमों से आजाद हो जाता है, तुम क्यों इतने गमगीन बैठे हो? परेशानियां मुझे भी ढेर सारी हैं, लेकिन हर परेशानी का कोई ना कोई हल निकल आता है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी हर मुमकिन मदद करने को तैयार हूँ, और अगर चल सकते हो तो यहाँ से वापसी पर मेरे हमरा मेरे होटल में चलो, वहाँ सुकून से हम सारी बातें करेंगे। वो कुछ देर तक सोचता रहा और फिर बोला, साहब आप पहली बार मुझे मिले हैं और मेरी परेशानी को भांप गए हैं, और यहाँ मेरे साथी जो सारा वक्त मेरे साथ रहते हैं, उन्होंने कभी मुझसे नहीं पूछा कि क्या बात है, आप में मुझे एक हमदर्द इंसान का दिल दिखाई देता है। मैं वापसी पर आपके हमरा होटल चलने को तैयार हूँ। शराब खाने से मैं आधे घंटे बाद उठाऊंगा और आपके होटल में सिविलियन लिबास में पहुँच जाऊंगा। आप भी मेरे आने के बाद जल्द आने की कोशिश कीजिएगा। मैंने उसे दिलासा दिया और हम वापस आ गए। मैंने उसके ग्लास में ज्यादा शराब उंडेली ताकि वो और ज्यादा नशे में हो जाए। कुछ देर बाद उसने सरदर्द की शिकायत की और सबसे माजरत करके बाहर चला गया। कुछ आध घंटे बाद मैं भी शराब खाने से निकल आया, रिक्शे में बैठा और होटल की तरफ चल पड़ा। वो क्लर्क, जिसका नाम अशोक सिन्हा था, होटल की लॉबी में मेरा मुंतजर था। मैं उसे हमरा लेकर अपने कमरे में आ गया। शराब खाने से हमरा लाई हुई बोतल खोली और उसे एक ग्लास बना कर दिया। मैंने उसे कहा कि अगर इंसान इंसान के काम ना आए तो क्या जानवर और परिंदों के काम आएंगे? मैंने उसे कहा कि मैं बिल्कुल अकेला हूँ, अपनी जरूरत से ज्यादा आमदनी है, बम्बई में रिहायश है, कारोबार बढ़ाने के लिए यहाँ आया हूँ, पंजाबी हूँ और जात पात पर यकीन नहीं रखता, इंसान दोस्त हूँ, तुम्हें परेशान देख कर मैं रह नहीं सका, इसलिए तुम्हें यहाँ बुला लिया। अब साफ साफ बताओ, किस बात ने तुम्हें इतना परेशान कर रखा है? जो कुछ भी मेरे बस में हुआ मैं तुम्हारे लिए करूंगा। शराब के नशे में अशोक जब्त के सब बंधन तोड़ बैठा और धाड़े मार मार कर रोने लगा। मैं अशोक के बहुत करीब बैठ गया और कहा, मर्द रोया नहीं करते, तुम मर्द हो और फौजी भी हो, तुम्हें तो हरगिज नहीं रोना चाहिए, बल्कि अपनी परेशानी को दूर करने की तदबीर करनी चाहिए, और फिर मेरा वादा है कि मैं तुम्हारी हर मुमकिन मदद करूंगा। उसे तसल्ली दी तो वो बोला, साहब मेरे पिता स्वर्गवासी हो चुके हैं, मेरी 3 बहनें हैं, और सिर्फ इस वजह से किसी की शादी नहीं हुई कि मेरी आमदनी इस काबिल नहीं कि मैं किसी का भी जहेज दे सकूं। सबसे बड़ी बहन की एक जगह सगाई हुई, 2 साल हो चुके हैं, लेकिन महज जहेज ना होने की वजह से फेरे नहीं हो पाए। अब लड़के वालों ने सगाई तोड़ने की धमकी दी, माता जी इस गम में घुल घुल कर बीमार हो चुकी है,
मैंने हर तरह से कोशिश करके देख लिया लेकिन कहीं से रकम का इंतजाम नहीं हुआ। मैं हर मुश्किल से मुश्किल काम करने को तैयार हूं लेकिन अपनी बहन की सगाई टूटते नहीं देख सकता। मैंने अशोक से पूछा उसे कितनी रकम की जरूरत है। उसने कहा कि बड़ी बहन की शादी के लिए अगर उसे 25,000 रुपए मिल जाएं तो वो बआसानी उस फर्ज से सुबकदोश हो सकता है। मैंने उसे कहा कि अगर उसे 25,000 मिल भी जाएं तो वो सिर्फ एक बहन की जिम्मेदारी से ओहदा बरा हो सकता है, दूसरी दो बहनों की जिम्मेदारी तो फिर भी उस पर बाकी रहेगी। मैंने उसे कहा मैं तुम्हारी मदद करने को तैयार हूँ, मुझे भी एक मुखलिस दोस्त की तलाश है और शायद तुम ही ऐसा दोस्त साबित होगे। बहरहाल फिक्र ना करो, मैं तुम्हारी इस मजबूरी में तुम्हारा पूरा साथ दूंगा। मैंने उसे कहा कि बंबई में हमने एक क्लब बनाया हुआ है जिसके मेंबर सिर्फ गैर शादीशुदा मर्द और औरत ही बन सकते हैं। इस क्लब में हम हर तबके के लोगों को मेंबर बनाते हैं, उनके लिए न सिर्फ मौजू रिश्ते तलाश करते हैं बल्कि शादी के वक्त भरपूर माली मदद भी करते हैं। मैं तुम्हारी बड़ी बहन की शादी के लिए अपनी तरफ से और क्लब की तरफ से पूरे 25,000 का बंदोबस्त करूंगा बल्कि तुम्हारी दूसरी दो बहनों के लिए भी क्लब की मदद से मौजू रिश्तों की तलाश करूंगा। मैंने उसे खासी तसल्ली दी और फिर अचानक जैसे मुझे कुछ याद आ गया हो मैंने उसे कहा कि बहुत सारे फौजी भी हमारे क्लब के मेंबर हैं और इन मेंबरों में जहां तक मुझे याद है टैंक रेजिमेंट के कुछ जवान और अफसरान भी शामिल थे। फिर याददाश्त पर जोर देते हुए मैंने कहा कि जब तक मुझे याद है टैंक की ही किसी रेजिमेंट का एक जवान जो हमारा मेंबर था वो यहाँ ट्रेनिंग के लिए आया था और वो गालिबन पंजाब के इलाके का था और हमारे क्लब की दिल्ली की शाख से मेंबर बना था। उसकी बहन की शादी भी हमारे क्लब की माली मदद से ही हुई थी। क्लब के कवायद व जवाबित के मुताबिक उसने क्लब से हासिल शुदा रकम निहायत मामूली अकसात पर वापस करनी थी। दो तीन अकसात की अदायगी के बाद उसने फिर रब्ता नहीं किया। मैंने माथे पर हाथ मारते हुए कहा उसका नाम और रेजिमेंट जहन से निकल गई है लेकिन उसका नाम सामने आते ही मैं फौरन पहचान लूंगा और उससे रब्ता करके उससे बकाया अकसात की अदायगी का तकाजा भी करूंगा। मैंने उसे कहा कि अगर माली मदद हासिल करने वाले अगर अकसात की अदायगी भी बंद कर देंगे तो इस नेक मकसद के लिए कायम ये क्लब आखिर कैसे चल सकेगा। मैंने उसे दोबारा कहा कि अगर नाम और रेजिमेंट की लिस्ट सामने हो तो मैं उसे यकीनन पहचान लूंगा। अशोक को अपनी मुश्किल हल होते हुए नजर आ रही थी और इसके लिए उसे मेरी खुशनूदी की जरूरत थी। उसने कहा कि साहब आपकी बड़ी मेहरबानी कि आपने इस मुश्किल वक्त में मेरा साथ देने का वादा किया है। ये है तो खिलाफ जाब्ता और कानून के मुताबिक पकड़े जाने पर मेरा कोर्ट मार्शल भी हो सकता है लेकिन मैं फिर भी मुकम्मल कोशिश करूंगा कि वो फाइल जो कि मेरे दफ्तर के एक क्लर्क के पास है किसी तरह हासिल करके कल रात आपको होटल में ला दूं और आप उससे अपने मतलूबा शख्स को तलाश कर लीजिएगा। अगली सुबह दफ्तर के वक्त से पहले मैं वो फाइल आपसे वापस ले जाऊंगा और आप मेहरबानी करके किसी से भी उसका जिक्र मत कीजिएगा। थोड़ी देर बाद जब वो रुखसत होने लगा तो मैंने 1,000 रुपए का नोट उसकी जेब में डाल दिया। इस फाइल का हुसूल मेरे लिए किसी तरह से किसी भी जैकपॉट से कम न था और अशोक को मैंने अपने काबू में कर लिया था। अगले रोज मैं ADOS से मिला जिसने मेरे चाय के सैंपल्स को लंगर में भिजवाने का ऑर्डर दिया। मैंने कर्नल गुप्ता का शुक्रिया अदा किया और उसे इजाजत लेकर उसके दफ्तर के क्लर्कों के पास आ गया। शाम से कुछ देर गपशप की। उसने मुझे बताया कि कर्नल गुप्ता ने मेरे सैंपल्स को लंगर भिजवाने का ऑर्डर दिया है। इस वाक्य की मुकम्मल तफसीलात जानने के लिए मुलाहिज़ा फरमाइए इसी सिलसिले की किस्त नंबर 5। उसके बाद मैं श्याम के हमरा कैंप कमांडेंट के दफ्तर में चला गया। मैं दरअसल अशोक से मिलना चाहता था। अशोक ने मुझे देखा और मुझे उसके चेहरे पर एक इत्मीनान नजर आया। उसने आंखों ही आंखों में मुझे जता दिया कि काम हो गया है। उसके बाद मैं कर्नल मल्होत्रा और कर्नल गुप्ता से मिलकर अपने होटल की तरफ वापस आ गया। शाम 7 बजे के करीब अशोक ने रिसेप्शन से मुझे फोन किया। मैंने उसे कमरे में आने का कहा। वो सिविलियन लिबास में था और उसके हाथ में एक हैंड बैग था। मैंने गुज़श्ता रात की बची हुई शराब उसके सामने रख दी। वो खासा घबराया हुआ लग रहा था। उसने पानी के बगैर शराब का आधा ग्लास चढ़ा लिया। हैंड बैग खोल कर उसने 2 फाइलें निकाल कर मुझे दी और कहा कि एक फाइल में गुज़श्ता 8 माह में आने वाली रेजिमेंट्स और ट्रेनिंग के बाद उनके वापस जाने की तफसील मौजूद है और दूसरी फाइल में हर रेजिमेंट के ट्रेनिंग लेने वाले जवानों और अफसरों के नाम दर्ज हैं। उसने मेरी आंखों में गहराई से झांकते हुए कहा कि इन 2 फाइलों से आप जो मालूमात भी हासिल करना चाहें कर सकते हैं। मालूमात उसने खासा जोर देकर कहा। मैं ये फाइलें एक क्लर्क की अलमारी से चुरा कर लाया हूँ। अब मैं चलता हूँ और सुबह 7 बजे से पहले यहाँ आकर ये फाइलें आपसे ले जाऊंगा। आप ये याद रखिएगा कि मैंने ये फाइलें निकालकर एक बहुत बड़ा जुर्म किया है और अगर पकड़ा गया तो सख्त सजा हो सकती है।
मैंने उसे दिलासा दिया और कहा कि ये फाइलें तुम्हारी हिफाजत में तो थी नहीं, इनके मुतालिक अगर किसी को पता भी चलेगा तो मुतल्लिका क्लर्क ही फंसेगा और कल सुबह तो तुम वैसे भी इन्हें वापस ले जाओगे। मैंने उसे 2000 रुपये दिए और कहा कि जल्द अज जल्द इसके लिए रुपए का इंतजाम करूंगा। अशोक ने बाकी शराब भी ग्लास में उंडेली और खटाखट पी गया। इतना पीने के बावजूद वो घबराया हुआ था। उसने हैंडबैग वहीं छोड़ा और सुबह 7 बजे का कहकर वापस चला गया। मैंने फाइलों का सरसरी जायजा लिया तो मालूम हुआ कि ये तो हमारे लिए बेशकीमत मालूमात समोए हुए थी। एक फाइल में 71 की जंग के बाद तरबियत के लिए आने वाले तमाम रेजिमेंटों के नंबर, अफसरान और जवानों की तादाद, किन टैंकों पर ट्रेनिंग दी गई और फिर कहां वापस चले गए, ये सब तफसीलात दर्ज थी। दूसरी फाइल खासी मोटी थी और उसमें हर रेजिमेंट के जवानों के नाम, रैंक, नंबर और मेडिकल सहूलतें जो दी गई वो सब दर्ज थी। इसी तरह अफसरान की फहरिस्त और रैंक और दीगर तफसीलात भी उसमें मौजूद थी। फाइलें देखते ही मुझे एहसास हुआ कि वो कितनी अहम है। मैंने फौरी फैसला किया कि बजाय इन फाइलों की तफसीलात नकल करने के, क्यों ना मैं ये दोनों फाइलें एज इट इज ही पाकिस्तान भिजवा दूं। मुझे यकीन था कि मेरे सीनियर्स इस कामयाबी पर उछल पड़ेंगे जब उन्हें असल फाइलें ही मिल जाएंगी। मैंने फौरी तौर पर सामान पैक किया, होटल का बिल अदा किया और बसों के अड्डे की तरफ रवाना हो गया। अब मैं कुछ घबराया हुआ था, खुदा ना खास्ता कामयाबी का ये खेल कहीं बिगड़ न जाए। ये तो मुझे मालूम था कि अशोक सुबह मुझे होटल में मौजूद ना पाकर मेरे मुतल्लिक खासा कुछ समझ आएगा, लेकिन चूंकि वो खुद इसमें मुलव्विस था इसलिए किसी को भी मेरे बारे में नहीं बताएगा। ADOS और कैंप कमांडेंट मेरे मुतल्लिक किसी तरह के भी शक का शिकार ना होंगे। एहतियातन मैंने होटल से चलते हुए रिसेप्शनिस्ट को बता दिया कि एक एमरजेंसी की वजह से मुझे फौरी तौर पर बम्बई जाना पड़ रहा है, अगर कोई भी मेरे मुतालिक पूछे तो आप उन्हें यही बताइएगा। बसों के अड्डे पर मालूम हुआ कि एक बस अड्डे से अभी निकली है और नहर के पुल के पास सवारियां लेने के लिए खड़ी है। अड्डे से ही मैंने 2 साइकिल रिक्शे लिए, एक पर मैंने सामान रखा और दूसरे पर खुद बैठकर उन्हें पूरी रफ्तार से नहर के पुल की तरफ चलने को कहा। मैंने उन्हें कहा कि मैं दोनों को 50-50 रुपए दूंगा अगर वो बस की रवानगी से पहले मुझे नहर में पहुंचा दें। 50 रुपए उस दौर में बहुत मालियत रखते थे। उनकी लालच में उन्होंने साइकिल रिक्शों को मोटरसाइकिल रिक्शे बना दिया। नहर के पुल पर बस अभी तक खड़ी थी। मैंने टिकट लिया और सीट पर बैठकर ये दुआएं करने लगा कि किसी अनहोनी से पहले ही मैं महफूज मकाम तक पहुँच जाऊँ। बस टूटी फूटी सड़क पर हिचकोले खाती रवाना हुई और करीबन 5 घंटे के सफर के बाद औरंगाबाद पहुंची। दिल्ली जाने वाली गाड़ी की आमद में करीब 1 घंटा बाकी था। मैंने जानबूझकर मित्रा का टिकट लिया और गाड़ी के इंतजार में एक खाली और अंधेरी जगह पर बैठ गया। गाड़ी सही वक्त पर आ गई और मैंने एक सीट पर कब्जा जमा लिया। इस वक्त मैं बिल्कुल खाली ज़हन था, बस एक ही धुन दिलो और दिमाग का अहाता किए हुए थी कि ये फाइलें जल्द अज जल्द पाकिस्तान पहुँच जाए। जो जो गाड़ी दिल्ली की तरफ बढ़ती गई मैं नॉर्मल होता गया और कुछ देर बाद ही मैं डेंजर जोन से बाहर आ गया। अगरचे पूरा भारत ही मेरे लिए डेंजर जोन था, लेकिन अहमदनगर से इतनी अहम मालूमात और क्लासिफाइड फाइल्स के साथ खैरियत से निकल आना बिल्कुल सांप के बिल से बखैर आफियत निकल आने के बराबर था। रवानगी के वक्त से लेकर अब तक तकरीबन 24 घंटे से ज्यादा हो चुके थे और सुबह सादिक का वक्त जब गाड़ी दिल्ली पहुंची, मैंने टैक्सी ली और सीधा लोधी होटल जाकर अपने कमरे में दिन चढ़ते तक सोया रहा। फिर नाश्ता वगैरह करके कैरोनेशन होटल फोन किया और अपने ट्रांसमीटर वाले साथी को शाम के 4 बजे कनॉट प्लेस के एक रेस्टोरेंट में मिलने को कहा। बाकी साथियों की खैरियत इसलिए फोन पर न पूछी कि होटल में वो अजनबियों की सूरत में ठहरे हुए थे, सिर्फ ये पूछा कि सब ठीक हैं और उसने कहा कि हाँ। मुझे अशोक का बार बार ख्याल आता था, अपनी कितनी मजबूरी के बायस उसने इतना खतरा मोल लिया, अगर उसके अफसरान को उसकी इस हरकत का पता चल गया तो उसका क्या हशर होगा। और इस ख्याल के साथ ही सुकूत ढाका, भारतीय फौज और उनका पाकिस्तानी फौजियों के साथ बर्बरियत की इंतहा से भी ज्यादा मजालिम के मनाजर एक तेज फिल्म की तरह मेरे दिमाग में घूमने लगे। वो लाखों जख्म जो हमारे दिलों और रूहों पर लग चुके थे, उनमें से सिर्फ एक पर मैंने मरहम रखी थी। हमारी एजेंसी का एक मकूला था कि हम जमाने अमन में जंग करते हैं और जंग के दौरान अपनी की हुई जंग के नतायज देखते हैं, और मैं इस वक्त हालत जंग में था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। हमारे जांबाज सिपाही को अपने मिशन के दौरान अपनी पहली कामयाबी मिल चुकी है, इसके बाद वो कैसे भारतीय अफवाज को अपने सामने घुटने टेकने पर मजबूर करते हैं, इसके लिए आप हमारी कहानी को फॉलो करते रहिए और मुकम्मल कहानी सुनने के लिए आप इसकी पिछली किस्तों को मुलाहजा फरमाइए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सब्सक्राइब करने के लिए सुर्ख बटन दबाइए या बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आपको हमारी तमाम वीडियोस बगैर किसी ताखीर के मुसलसल मिलती रहें। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।